हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 24 अक्टूबर है और वॉल्यूम 2 के अकॉर्डिंग मैं आपको आज का इम्पोर्टेंस बताने जा रहा हूँ। जैसा कि सब विदित है, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, इंडियन नेशन आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, उनसे जुड़ी एक महिला थी जिनका नाम था कैप्टन लक्ष्मी सहगल। आज मैं उन्हीं की बात करूँगा। 24 अक्टूबर 1914 को आज के मद्रास यानी चेन्नई में लक्ष्मी सहगल का जन्म हुआ। समय के साथ वो एक लेडी डॉक्टर बनी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सेवा दी। समय के साथ सिंगापुर में उनकी मुलाकात सुभाष चंद्र बोस उर्फ हमारे नेताजी से हुई और उनका मन बिल्कुल बदल गया और वो इंडियन नेशन आर्मी यानी आजाद हिंद फौज यानी आजाद हिंद सरकार का हिस्सा बन गई, ज्वाइन की। समय के साथ वह आजाद हिंद फौज की एक विंग के तौर पे एक रेजिमेंट एस्टेब्लिश्ड हुआ जिसका नाम था झांसी की रानी रेजिमेंट। तो झांसी की रानी रेजिमेंट की वो कैप्टन बनी और नाम लगा कैप्टन लक्ष्मी सहगल। समय बदलाव आया और हम देखते हैं कि जापान हार गई, एटम बम उस पर गिराया गया और इस तरह से इंडियन नेशन गवर्नमेंट और आर्मी का बैकबोन भी टूट गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इंडियन नेशन आर्मी के 3 कमांडर्स पे, 3 कैप्टन पे दिल्ली के लाल किले को स्पेशल कोर्ट बनाकर मुकदमा दाखिल हुआ। कैप्टन सहगल नहीं थी, ये ध्यान में रखिएगा, वो पुरुष एक कैप्टन सहगल है। दूसरा कैप्टन शहनवाज और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, इन सब पे मुकदमा चला, फांसी की सजा हुई, अंततः उन सभी को माफ कर दिया गया। समय के साथ कैप्टन लेडी जो मिसेस सहगल थी वो ध्यान देंगे कानपुर में आकर बस गई और कानपुर की ही होकर रह गई। रिमेंबर 2002 में जब हमारे एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी थे तो उनमें कई प्रत्याशियों में एक प्रत्याशी थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जो कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से, अपोजिशन पार्टी की तरफ से वो थी। हालांकि उनको सपोर्ट नहीं मिला पर उनका वो राजनीतिक हक था, उनका अधिकार था, वो लड़ी और इस तरह से फाइनली 23 जुलाई 2012 को हम देखते हैं वो हमारे बीच नहीं रही। लगभग 98 वर्ष की उम्र जी और हमें प्रेरणा देकर गई कैप्टन लक्ष्मी सहगल को, उनको सैल्यूट है। तो आज का उनका ये बर्थडे, ठीक है। चलिए हम फिर आपसे बात करेंगे आगे। नमस्कार।